और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई। इस वक्त की बड़ी खबर, कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे का मामला मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार भी कर ली है। अब इसको लेकर जल्द सुनवाई भी होगी। हिंदू पक्ष की दलीलें भी सुनी जाएंगी, मुस्लिम पक्ष की भी दलीलें सुनी जाएंगी। तो हाईकोर्ट की तरफ से ज्ञानवापी परिसर और कथित शिवलिंग के कार्बन डेटिंग को लेकर सर्वे के आदेश दिए गए थे। इसी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के द्वारा चुनौती दी गई है। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में सुप्रीम कोर्ट से हमारे सहयोगी अवनीश चौधरी और वाराणसी से सुशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अवनीश आपके पास आएंगे, कितने बजे तक सुनवाई होगी याचिका जो स्वीकार की गई है, साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी गई हैं हाईकोर्ट के फैसले को जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। बिल्कुल, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। आज मस्जिद इंतजामिया कमेटी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता है हुजैफा अहमदी, उन्होंने सीजेआई जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच है उनके सामने ये मेंशनिंग की कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश है कार्बन डेटिंग कराने का शिवलिंग का, जिससे पता चल सके कि जो शिवलिंग वहां मिला है वो मस्जिद निर्माण से पहले का है या उसके बाद का है। इस ये जो आदेश दिया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, इसके खिलाफ मस्जिद इंतजामिया कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। आज ये मेंशनिंग करके कहा गया कि इस पर शीघ्र सुनवाई की आवश्यकता है, क्योंकि जो कार्बन डेटिंग से जुड़ा जो प्रोसेस है, जो परीक्षण है, वो जल्द शुरू होने वाला है। इसलिए इंतजामिया कमेटी ये मांग करती है कि इस पर जल्द सुनवाई की जाए। सीजीआई ने आश्वासन दिया कि इस मामले पर कल बेंच का गठन किया जाएगा, इस पर सुनवाई की जाएगी। तो कल आज शाम तक ये स्पष्ट हो पाएगा कि कौन सी बेंच के समक्ष इस मामले की सुनवाई होगी और कितने बजे कितने नंबर आइटम पे ये मैटर आता है उसे सुना जाएगा। यहां हम ये भी बता दें कि जब मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो हिंदू पक्ष उससे पहले ही